हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज 29 तारीख आप यहां पर देख पा रहे हैं, 29/6/2024 की आज की ये खबर है। और झारखंड कर्मचारी आयोग चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। पीजीटी, झारखंड पीजीटी का परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, परीक्षा फल आ गया है। इसमें वैसे लोगों का है जो लोगों का रिजल्ट, चूँकि इसमें दो दो सब्जेक्ट, चार चार, तीन तीन सब्जेक्ट का रिजल्ट कर करके इसमें आ रहे हैं, तो इसी में ये भी निकल करके आया है। नियमित एवं बैकलॉग भर्ती वाला है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग भर्ती, विज्ञापन संख्या 2/2023 एवं 3/2023 के अंतर्गत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक वाणिज्य, अंग्रेजी और गणित विषय के अधियाचित पदों पर मेगा क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों का अनुक्रमांकवार परीक्षा फल नियमित प्रकाशित किया गया है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे नियमित और बैकलॉग वाले का रिजल्ट आ गया है। वाणिज्य कॉमर्स वालों का रिजल्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कॉमर्स वालों का रिजल्ट है। ये देखिए, अनुसूचित जनजाति का है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी है, कुल संख्या 14 है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 BC 2 का है। सीधी भर्ती है, बैकलॉग रिक्ति की ये सीधी भर्ती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और विषय वाणिज्य सीमित, भर्ती कार्य TG शिक्षक के लिए आरक्षित नियमित रिक्त, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। TGT शिक्षकों के लिए है ये, तो अंग्रेजी विषय का भी है, ठीक है। तो सीधी भर्ती है, इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सीधी ज्वाइनिंग मिल जाएगी अब आप लोगों को। जिन्होंने भी मेहनत करके, रात दिन एक करके, पढ़ाई करके इस रिज़ल्ट में अपना मुकाम हासिल किया है, उन्हें तो सफलता पर उनका पूरा अधिकार बनता है। और मेहनत से सब चीज़ मुमकिन हो सकता है, बस सही तरीके और सही दिशा में मेहनत करने की ज़रूरत होती है। यहाँ देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 BC 1 वालों का ये रिज़ल्ट है, कुल संख्या 17 है। BC 2 वालों का ये है जिसकी कुल संख्या 1 है। और ये EWS का है, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाला जो होता है, EWS वालों की है। ये अंग्रेजी विषय का है, सीधी भर्ती बैकलॉग से। उसी तरह आप यहाँ TGT वालों का देख सकते हैं, ठीक है। तो जिनका भी रिज़ल्ट बन गया उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, खुशी की बात है कि उनका रिज़ल्ट आ गया है। क्योंकि हमारी झारखंड सरकार बड़ा सोच सोच करके, आराम आराम से 1-2 विषय करके रिज़ल्ट देती है, लेकिन फाइनली सब्र का फल मीठा होता है और इंतज़ार बहुत लंबा सही, लेकिन फाइनली रिज़ल्ट आया है। और जिन लोगों का भी आया है उनके लिए बहुत खुशी की बात है। ये देखिए, यहाँ पर मैथ गणित विषय का आप देख सकते हैं, सीधी भर्ती बैकलॉग रिक्ति में, अनुसूचित जनजाति, कुल संख्या 42 है। अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC 1 की भी है। सिमिलरली TGT पोस्ट वालों के लिए, कार्य TGT शिक्षक के लिए आरक्षित में जो नियमित रिक्त रह गया है उनके लिए है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी विषयों का, यहाँ पर पेंडिंग पड़े विषयों का, सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया है। वाणिज्य है, मैथ है, इंग्लिश है, सभी लोगों का रिजल्ट आ गया है। नोट पे लिखा हुआ है कि परीक्षा विवरणिका की कंडिका 3 के आलोक में सरकारी माध्यमिक विद्यालय के निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन आरक्षित पदों पर सीधी नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।
उक्त में फलस्वरूप आयोग द्वारा उक्त विषय के लिए प्रकाशित की जाने वाली अंतिम परीक्षा फल नियमित रिक्त अथवा बैकलॉग रिक्ति में अधीन चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षा फल बैकलॉग रिक्ति अथवा नियमित रिक्ति में परिवर्तन संभावित हो सकता है। मनोज वर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आलोक में स्नातकोत्तर परिशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत की गई कोई भी नियुक्ति माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी, ठीक है। और स्नातकोत्तर परिशिक्षित शिक्षक वाणिज्य इंग्लिश और गणित विषय के अंतर्गत अधियाचित शेष रिक्तियों के विरुद्ध परीक्षा फल का प्रकाशन अगले चरण में आयोजित की जाने वाली प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के पश्चात की जाएगी। तो इसमें अब आप लोगों का डीवी वगैरह करवाया जाएगा, प्रमाण पत्र का जांच होगा, उसके बाद ही आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा। स्नातकोत्तर परिशिक्षित शिक्षक वाणिज्य अंग्रेजी एवं गणित विषय के अंतर्गत कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक सभी विषयों के परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत की जाएगी। तो अब आप लोगों का प्रोसेस शुरू हो गया है, जिनका भी रिजल्ट आया है उन लोगों को ढेर सारी बधाई। और अब आप लोगों का रिजल्ट आ गया है फाइनली 19/6/24 को। मिलते हैं फिर किसी नए न्यूज़ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।